अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गौनाहा प्रखंड स्थित रोज गार्डन पब्लिक स्कूल कैंपस में डायरेक्टर परवेज शम्स ने आयोजन किया इफ्तार पार्टी। सभी रोजेदारों के साथ अन्य सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ बैठकर दावते इफ्तार को मुकम्मल किया। समाज सेवी आनंद सिंह ने बातचीत में बताया कि परवेज शम्स और उनके पिता शुरू से ही प्रखंड वासियों के साथ प्रेम भाईचारे की मिसाल बनकर आते रहे हैं और उस परंपरा को परवेज शम्स आज भी अपने स्कूल के हवाले से कायम रखने में सफल नजर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। कवि साहित्यकार मुकुंद मुरारी राम की माने तो यह दावते इफ्तार इस प्रखंड का सबसे बड़ा आयोजन होने के साथ गंगा जमुनी तहजीब के पैगाम की बड़ी मिसाल रही है और परवेज शम्स इसके लिए बधाई के पात्र हैं। परवेज शम्स एक बड़ी सोच लेकर बाहर से यहाँ आए हैं और शिक्षा का जो दीप ये जला रहे हैं यहाँ स्कूल के माध्यम से। आज माहे रमजान में दावते इफ्तार का जो ये मुबारक मौका ये लेकर आए हम लोग के बीच में, हमें बुलाया, आनंद भाई को बुलाया, तमाम मीडिया परिवार के लोगों को बुलाया जो कई डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं। यह साबित करता है कि परवेज शम्स साहब अपने आप में एक बड़े ही दिल वाले व्यक्ति हैं। इनका परिवार शुरू से इस चीज़ को बड़ी अहमियत दिया है और समाज को एक साथ लेकर चलने वाले ये लोग रहे हैं। आज रोज गार्डन पब्लिक स्कूल के माध्यम से जो इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा मैसेज इन्होंने समाज को दिया है, मैं परवेज शम्स भाई रोज गार्डन पब्लिक परिवार को बहुत बधाई देता हूँ और आगामी ईद पर हम सभी एक साथ मिलकर प्रेम सौहार्द भाईचारे के साथ उसे मनाएं, मैं इसकी शुभकामना भी।